सुप्रभात मित्रों, मैं इंजीनियर सक्षम गुरुकुली स्कूल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के कुछ मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। ब्रिक्स देशों की बैठक में आतंकरोधी रणनीति पर मुहर लग गई है, जिसके बाद चीन भी आतंकवाद के मसले पर ब्रिक्स देशों के साथ अहम सूचनाएं साझा करने को तैयार हो गया है। यह भारत की बड़ी सफलता है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव विजेता जो बाइडेन से प्रधानमंत्री मोदी की टेलीफोन वार्ता के बाद उनकी टीम ने जानकारी दी है कि जो बाइडेन वैश्विक चुनौतियों पर मोदी के साथ निकटता से मिलकर काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों के एक दल पर आतंकवादियों द्वारा किए गए ग्रेनेड हमले में 12 नागरिक घायल हो गए हैं। सुरक्षा बलों ने हमलावरों को पकड़ने के लिए घेराबंदी कर अभियान शुरू कर दिया है। मुंबई पुलिस ने सोशल मीडिया पर कथित सांप्रदायिक तनाव जनित टिप्पणी करने के मामले में अभिनेत्री कंगना रनौत को 23 नवंबर तथा उनकी बहन रंगोली चंदेल को 24 नवंबर को पेश होने का निर्देश दिया है। तमिलनाडु के कुडलूर में अभिनेत्री व भाजपा नेता खुशबू सुंदर की कार की टक्कर एक कंटेनर से हो गई है। इस हादसे में खुशबू बाल बाल बच गई। गोवा की पूर्व राज्यपाल और साहित्यकार मृदुला सिन्हा का कल निधन हो गया। उन्हें दीपावली की रात को दिल का दौरा पड़ा था। वे 77 वर्ष की थी। ट्विटर ने लद्दाख को गलत ढंग से चीन के हिस्से के तौर पर दिखाने के मामले में संसदीय समिति से लिखित माफी मांगी है तथा ये आश्वासन दिया है कि इस माह के अंत तक वह इस गलती को सुधार लेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर अवकाश घोषित करने व उनके 18 अगस्त 1945 को लापता या मृत्यु से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने हेतु प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। नामी कंपनी कपिला पशु आहार व आरती चिटफंड पर आयकर विभाग ने छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की है। इनके 3 राज्यों में स्थित 30 परिसरों में यह कार्रवाई करके आय कम दर्शाने के साक्ष्य एकत्र किए गए हैं। अगली खबर अर्थजगत से है। सेंसेक्स में तेजी का दौर रहा जारी है। कल 44,180 अंक पर बंद हुआ। एक समय यह 44,215 के उच्च स्तर तक गया। उधर सर्राफा बाजार में सोने व चांदी में गिरावट देखी गई। सोना 357 रुपये प्रति 10 ग्राम व चांदी 532 प्रति किलोग्राम गिरी। अगली खबर खेल जगत से है। भारत ने 2021 में इंग्लैंड दौरे को मंजूरी दे दी है। इंग्लैंड व वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने 2021 सत्र का कार्यक्रम जारी किया है। कल के कुछ मुख्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए गुरुकुल ई स्कूल के साथ। धन्यवाद।